इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। नांगलोई में रोडरेज के बाद साहिल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल ये विवाद विशाल के साथ शुरू हुआ। विशाल साहिल का भाई है। जिम से विशाल जब अपने घर की तरफ आ रहा था उस दौरान एक आरटीवी से विशाल की कहा सुनी होती है। पूरा वाक्या क्या था विशाल हमारे साथ है। विशाल कितने बजे का ये इंसिडेंट है, क्या कुछ हुआ था? 6:30 बजे के करीब हुआ था ये। शाम को 6:30 बजे जब मैं जिम से निकल रहा था तो जिम के सामने बस एकदम मैं बैक कर रहा था बाइक रोड पे, तो ये सामने आएगा तो गाली गलौज करने लग गए मेरे साथ में। तो गाली गलौज में मैंने भी करी थी, उन्होंने भी करी, तो 4-5 जन उतरे मेरे ऊपर लड़ने के लिए। सवारी थी उसमें काफी सारी, उन्होंने हटा दिया। फिर मेरे घर के इधर में कोने पे कविता कॉलोनी है मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहाँ बस वो खड़ी करते हैं। मैं कुछ देर थी उस टाइम पे वहाँ पहुँचा था, तो उन्होंने बस पे मेरे बस को मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। फिर मैं हटा तो लड़ाई और झगड़ा हुआ हमारा थोड़ा सा। फिर जब मेरे को रोड निकाल के ले गया, मैं भागा वहाँ से, छोड़ गया बाइक अपनी। उसके बाद बाइक तोड़ दी उन्होंने मेरी पूरी। मैं थाने में गया, कंप्लेंट करी मेरी। एक आई होते मुकेश मलिक, उनके पास मेरा केस था। मैंने मुकेश सर को बोला कि ना मैं ऐसे ऐसे मेरे को मार रहे हैं, मेरी बाइक तोड़ दी है। तो बैठे हुए थे किसी जो हमारे साथ गए थे, उनसे कह रहे अंगूर लेके आओ, अंगूर लेके आए वो। फिर उन्होंने अंगूर वगैरह खा रहे, तो मेरे उनके सामने हम बैठे हुए थे, एप्लीकेशन लिख दी थी हमने। तो फोन आया कि मेरे भाई को, वो भाई आया था मेरा, तो कह रहे बाइक लेके आओ मेरे से। मैं कहा सर ये तो काम आपका बाइक लेके आने का। तो छोटे वाले भाई को मैंने बाइक लेने भेजा। साहिल पुलिस स्टेशन आ गया था आपके पास? तो नहीं, साहिल जॉब पे आया था, जॉब से मेट्रो पे उतरा था। अच्छा। तो हमारी कॉलोनी के अंदर जैसे घुसा ना, उन्होंने देखा बाइक खड़ी है टूटी हुई, तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया मेरे से। मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे थाने में आ जा तू, झगड़ा हो गया, पापा और मैं थे वहाँ पे। तो भाई आया थाने में, तो आईओ को मैंने बोला कि अपनी बाइक खुद लेके आओ, ठेका नहीं रखा मैंने तुम्हारा। जब उसके बाद कार्रवाई होगी, और बैठे बैठे अंगूर खा रहे थे वो, तो उसने मेरे भाई ने बाइक लेने के लिए आया, फिर वो वापस ही नहीं आया। हाँ, तो मैंने उसको लास्ट टाइम मेरे पास था, वो एक लड़के की स्कूटी पे था, वो हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लोग उसे देख रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था। कॉलोनी के भी तो बहुत सारे उसमें, तो मैंने उसे आरटीवी में कितने लोग थे? वो जो हमलावर थे वो 4-5 वो थे। फिर उसके बाद जो आरटीवी आई उसमें 6-7 8 जने थे टोटल, कैमरे रिकॉर्डिंग के अंदर भी है सारे के सारे। सीसीटीवी दिख रहा है कि एक शख्स बचा रहा है साहिल को, वो उसका जॉब करता है साथ में हुंडई में। बताया कि जब हमला कर रहे थे उस समय कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे जो साहिल पर हमला कर रहे थे? वो मानू नाम है उसका, अमान करके, वो बता देगा आपको, क्योंकि मैं थाने में था उस टाइम पे जब हमला बोला था साहिल पे मेरे भाई पे। तो जब मेरे पे फोन आया ना कि साहिल पे चाकू मार दिए, तो हम आईयू के पास थे। जब हम निकले वहां से भागे, तो आईयू हमारे सामने हेलमेट लेके तो निकला था, फिर वो हमारे को दिखाई नहीं, कल से लेके अब तक कहीं नहीं दिखा, ना हॉस्पिटल में दिखा ना रास्ते में दिखा। पुलिस कह रही है सन्नी को गिरफ्तार किया है। सन्नी मेरे को नहीं पता कौन है, सन्नी शकल से पहचान लूंगा मैं, जो भी थे 7-8। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की लापरवाही, पुलिस की पूरी लापरवाही है। और वो 20-21 साल का लड़का आरटीवी चला रहा है, उसका ना लाइसेंस, और ऊपर रोड पे भगा रहा था, गाली गलौज कर रहा, मेरे पे चढ़ाई देने की कोशिश करी है पहले। सन्नी भी आरटीवी चालक है, अगर आप वही सन्नी होगा, फिर वो घुंघराले वालों का है ना, जो वही लड़का था घुंघराले वालों वाला, वो 20-21 साल का है, जिसकी पुलिस वाले ने फोटो दिखाई है, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने अरेस्ट कर लिया उसे। तो उसी ने आपके ऊपर आरटीवी चलाने की कोशिश की, और सन्नी पर भी पुलिस कह रही है कि उसी ने चाकुओं से मार किया। पुलिस नहीं, साहिल का दोस्त है ना जो मानू, उसने पहचाना कि यही मार रहा था, और लड़के राडे ले रखे थे और उन्हें। तो ये विशाल है, दरअसल इन्हीं के साथ झगड़ा शुरू हुआ। साहिल जब अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, उसने टूटी हुई बाइक देखी, विशाल से बात की, पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि पुलिस लापरवाही की बात भी परिवार करता नजर आ रहा है, और इंसाफ की मांग कर रहा है। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर, क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।